हवामान विभाग द्वारा राज्य में आगामी 5 दिवस मावठानी आगाही करवामां आवी छे। आजे समग्र राज्य में वादळछायुं वातावरण जोवा मळी रह्युं छे। केटलाक भागोमां 40 किलोमीटरनी झड़पे पवन फूंकाशे तेमज गाजवीज साथे वरसाद वरसवानी संभावना छे। साबरकांठा, बनासकांठा, राजकोट, सुरेन्द्रनगरमां करा साथे सामान्य वरसादनी आगाही छे तो अमदावाद अने गांधीनगरमां पण सामान्य वरसादनी संभावनाओ छे। तारीख 17, 18 अने 19 मार्च सुधी राज्यमां वरसादनी सिस्टम सक्रिय रहेशे तेमज 2 दिवस बाद तापमान में 2 થી 4 ડિગ્રી નો ઘટાડો થશે। अगले 5 दिन में गुजरात में कहीं कहीं जगहों में बारिश होने का संभावना है। जो रेन रहेगा मोस्टली लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगा। अगले 2 दिन में गुजरात रीजियन में फ्यू प्लेसेस यानी स्कैटर्ड प्लेसेस में रेन होने का संभावना है, लाइट टू मॉडरेट रेन। और आज यानी Day 1 के लिए हेलस्टॉर्म का वार्निंग भी हमने दिया है बनासकांठा, साबरकांठा, राजकोट, अमरेली में। ये डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ जगहों में बारिश का साथ साथ हेलस्टॉर्म, लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म होने का संभावना है। और विंड स्पीड मोस्टली रहेगा लेस देन 40 किलोमीटर पर आवर। मोस्टली जो रहेगा ज़्यादातर बनासकांठा, साबरकांठा, राजकोट, अमरेली में, और सुरेंद्रनगर भी हो सकता है उन थोड़ा सा ज़्यादा रहें। लेकिन जो Day 2 के लिए यानी कल 16 तारीख को सौराष्ट्र कच्छ में रेनफॉल एक्टिविटी कम होने का संभावना है। कहीं आइसोलेटेड प्लेसेस में जैसे सुरेंद्रनगर, बोटाड, इवन भावनगर में हो सकता है, लेकिन जो कोस्टल पार्ट ऑफ सौराष्ट्र में रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगा।